प्रकटो दिवस कितने, यानी बुद्ध के प्रकट होने के कितने दिन हैं, कितने दिवस हैं साल में। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब जरूर देना कमेंट में, या वीडियो बना के, या ऑडियो बना के, या लिखकर, या कैसे भी, या पोस्ट बनाकर। मैं बचपन से टीवी में, अखबार में, रेडियो पे, या चर्चाओं में, किस्सों में, कहानियों में, कोई गांव की इधर उधर की चर्चा होती है उसमें, और आज के समय में नेट में, इंटरनेट में, या फेसबुक पे, या व्हाट्सएप पे, या ट्विटर पे, मैं आए दिन ये खबरें देखता रहता हूँ कि फलाना जगह भगवान बुद्ध की मूर्ति निकली, फलाना जगह भगवान बुद्ध का विहार निकला, फलाना जगह स्तूप मिला, फलाना जगह चैत्य मिला, फलाना जगह अशोक का स्तंभ मिला, फलाना जगह अशोक के ये चीज़ें मिली। मतलब जो संग्रहालय हैं भरे पड़े हैं, और जिस भी आप किसी पूजा स्थल पर जाएंगे जो आज का है, तो वहाँ आपको बुद्ध के चिन्ह मिल जाएंगे। अब तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग फोटो खींच के भेजने लगे हैं, क्योंकि जानकारियां बहुत तेजी से आदान प्रदान हो रही हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो जहां भी अगर कोई खुदाई होती है और वहां खुदाई में पत्थर निकलता है, तो वो पत्थर बुद्ध का निकलता है। भाई ये बुद्ध भूमि है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर जगह पत्थर बुद्ध के निकल रहे हैं, सारा बुद्ध का है। पूरा भारत, ईरान से लेके अफगानिस्तान से लेके और नेपाल या भूटान या इधर श्रीलंका या म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, जितना भी एरिया है, जहां तक भी है, क्योंकि अशोक का शासन ईरान से लेके और थाईलैंड तक रहा है, तो सब जगह, क्योंकि वो बताते हैं कि 84,000 उन्होंने स्तूप, चैत्य, स्तंभ ये सारे बनवाए थे, तो वो अभी तो जमीन के ऊपर है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो जमीन के अंदर ही कहीं है। पत्थर तो इतनी आसानी से टूटता भी है तो अपने निशान तो छोड़ ही जाता है, अगर आप उसको मिक्स करके बारूद पूरा चूर्ण बना के, अगर उसका पेस्ट बना के उसका इस्तेमाल ना कर लें तो वो जो मूर्तियां निकलती हैं, वो जो स्तंभ निकलते हैं, वो सारे बुद्ध के निकलते हैं। तो बुद्ध ही बुद्ध चारों तरफ दिखाई देता है, पूरे भारत में बुद्ध भूमि ही बुद्ध भूमि है, पूरी दुनिया में शोर है कि ये बुद्ध भूमि है, ये बुद्ध का भारत है, ये भारत का बुद्ध है, बुद्ध का भारत, भारत का बुद्ध। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये इतनी सारी जो बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध के स्तंभ और बुद्ध की चीजें निकलती हैं, जैसे मथुरा का संग्रहालय भरा पड़ा है, दिल्ली का है, कलकत्ता का है, लखनऊ का है, पटना का, ये सारे संग्रहालय भरे पड़े हैं, तो आपने क्या भारत में कुछ और भी मूर्तियां निकलते हुए देखी हैं कभी? कुछ और संतों की भी देखी हैं, जो और संत हुए हैं, जो और साधु हुए हैं, किसी की मूर्ति निकलती देखी हैं? अगर आपने कुछ और साधुओं की, कुछ और संतों की, कुछ और मतों की, कुछ और पद्धति की, जो और मान्यताएं भारत में हजारों मान्यता हैं, अगर इनकी कोई मूर्तियां निकलती हुई देखी हैं, या इनका कोई इतिहास देखा है मूर्ति निकलने का, तो वो जानकारी मुझे चाहिए। बेसिकली क्योंकि भारत विविधताओं का देश रहा है, और विविधताओं का देश बोलते हैं, तो कुछ और भी तो साधु संत रहे होंगे, उन साधु संतों की मूर्तियां क्यों नहीं निकलती, कहाँ रह गई? सारी बुद्ध की निकलती हैं और बुद्ध की तोड़ी जाती हैं, तो तोड़ी क्यों जाती हैं और निकलती क्यों हैं, और इनको जमीन में दबाया किसने है और क्यों दबाया है? ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के जवाब आप देंगे तो मुझे अगली वीडियो बनाने में आसानी होगी। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Oh,
Shredded.